हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू आर चैनल आज की रेसिपी जिमीकंद को लेकर ही है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिमीकंद के अनेक फ़ायदे होते हैं एलिफेंट फुट याम इज़ फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स तो हमने सोचा क्यों ना इसकी जो पिकल है यानी कि अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस यहाँ हमने ले लिया है लगभग फाइव हंड्रेड ग्राम्स ऑफ जिमीकंद यानी कि एलिफेंट फुट याम मेक श्योर टू क्लीन इट पील इट वॉश इट एंड देन वी हैव टू ड्राई इट सो यू कैन पैट ड्राई आप इसे पैट ड्राई कर सकते हैं या फिर इसे बेहतर होगा कि आप एक दिन सन लाइट में इसे छोड़ दें तो हमने इसे यहाँ पे सन लाइट में एक दिन छोड़ने के बाद ये देखिए कितनी सूखी है ड्राइड अप है हमने मिर्ची ली है मिर्ची ग्रीन चिली इज अर अबाउट टू फिफ्टी ग्राम्स एंड वी हैव ऑल्सो डन द सेम वी हैव क्लीनड इट एंड वी हैव वाश्ड इट एंड ड्राइड इट एंड देन वी हैव ऑल्सो टेकिन टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ गार्लिक एंड विच इज़ अगैन वॉश ड्राइड पील एंड ड्राइड इन द सन लाइट एंड देन वी हैव टेकिंग टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ जिंजर उसे भी अच्छी तरीके से आप क्लीन करके अच्छी तरीके से सुखा के ले लें सुखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों वरना अगर पानी होगा तो हमारा पूरा अचार स्पॉयल हो जाएगा तो मेक श्योर आप ये सारे इन्ग्रीडियट्स को अच्छी तरह से धोकर सनलाइट में एक दिन रखने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिंस कर लिया है वी हैव यूज अ ब्लेंडर टू मिंस इट यू कैन यूज़ एनी फूड प्रोसेसर और यू कैन इधर यूज़ अ शेफ़ नाइफ आल्सो टू टू मिंस इट प्रॉपरली तो यहाँ पे uh, हमने एलिफेंट फुट याम गार्लिक जिंजर एंड चिली को मिंस कर लिया अच्छे से ग्रेट कर लिया और फिर हमने लिया है अबाउट फाइव हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल और लिया है हमने 20 ग्राम्स ऑफ रेड चिली पाउडर 20 ग्राम्स ऑफ़ टर्मरिक पाउडर अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ आमचूर तो ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों ये रेशो इम्पॉर्टेंट है फिर हम इस जिमी में ग्रेटेड जिमिकन जो हमारी है उसमें हम मिलाएंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देखिए ये मिला रहे हैं ये जो हमने मिन्स कर लिया था ग्रीन चिली मिन्स किया हुआ रिमाइंडर ऑफ जिंजर एंड मींस किया हुआ गार्लिक तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली मिला कर वी हैव टू मिक्स इट वेल मेक श्योर दैट द मिक्सिंग प्रोसेस इज़ डन ईवनली क्योंकि इसमें स्पाइसिस भी जाने हैं अभी तो हम सारे स्पाइसेज जो हमने क्वान्टिटी बताई थी आप आपेशों के हिसाब से ऐसी क्वान्टिटी ही रखो तो ये सारे स्पाइसिस मिला के हमें ईवनली मिक्स करना है थरली मिक्स करना है इसको और देखिए इस तरह से ये सारे स्पाइसिस हम एक एक करके इसमें डालते चले जाएँगे और इसमें डालेंगे एंड में बिल्कुल आ, तेल तो तेल और जो नमक दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये एक्ट करेगा एज अ प्रजर्वेटिव इवन द आमचूर इज़ गोइंग टू एक्ट एज़ अ प्रजर्वेटिव क्योंकि इसे हमें लंबे तमक समय तक स्टोर करना है तो हमें ये इंश्योर करना है कि इसमें पानी बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए पानी का वरना ये पिकल आपकी ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं और आपकी सारी मेहनत स्पॉयल हो सकती है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम आ, सब हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और हम अब ऐड करेंगे इसमें ऑयल ऑयल हमने क्वांटिटी ली थी 500 मिलीलीटर तो इतनी क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है यहाँ पे तो मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे लगेगी फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे हम रख देंगे सनलाइट में दोस्तों तो यहाँ पे सनलाइट में इसको हमने रख दिया है लगभग Uh, uh, about for two and two or three days actually and then we have also added um, Kashmiri red chili powder ये बहुत ही एक अच्छा color लेकर आता है तो इसने हमें इसलिए हमने यहाँ पर Kashmiri red chili powder add किया है और अब इसको हम लोग सनलाइट में रख देंगे तकरीबन दो से तीन दिन यानी टू टू थ्री डेज विल कीप इट अंडर सनलाइट सो दैट द मसालाज एंड द ऑयल आर इवनली हीटेड अप इन द सन वो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे एक्चुअली सनलाइट से तो ये प्रोसेस दो से तीन दिन तक होने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये अचार ऑलमोस्ट रेडी है इसे हमने अच्छे से दो तीन दिन रख रख दिया था सनलाइट में ये देखिए किस तरह से यहाँ पे मसाले आपको दिख रहे हैं और जिमिकंद भी सनलाइट में ही अच्छी तरह से पक गए हैं और अब ये रेडी होगा एयर टाइट कंटे, कंटेनर में इसे हम स्टोर करेंगे तो स्टोर करते वक्त दोस्तों आपके बात का ध्यान रखें कि अगर आपको लग रहा हो कि इसमें तेल कम है तो आप जब स्टोर कर रहे हो उस वक्त आप इसमें आ, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते तो यहाँ पे देखिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल डाला इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया था स्मोकिंग पॉइंट पे फिर इसको ठंडा करने के बाद यहाँ पे हम ये तेल की एडिशन करेंगे अच्छे से और अगर आप तेल ढंग से नहीं डालोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन होने का डर है पिकल आपके ब्लैक हो जाएंगे तो मेक श्योर आप प्रॉपरली तेल डाल रहे हो क्योंकि इसे हमें स्टोर भी करना है अबाउट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स तो ये पिकल आपका काफ़ी लंबा रहेगा और ये आ, सीजनल जिमिकंद मिलते हैं अगर सीजन में ना भी हो तो भी आप जिमिकंद को आप एलिफेंट फुट याम के बेनिफिट्स आप उठा पाओगे थ्रू दिस पिकल सो मेक श्योर कि ये जो मस्टर्ड ऑयल का एडिशन हुआ है ये सही तरीके से हो अगेन दीज आर प्रजर्वेटिव दैट वी आर एडिंग नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से ये प्रजर्वेटिवस हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ये अचार अब बन के रेडी है अब इसे हमने मेसन जार में डाल दिया है एयर टाइट है और देखिए यहाँ पे किस तरह से ये मैं सारा तेल अब्जॉर्ब भी हो गया है इसमें अच्छे तरीके से दोस्तों आप ज़रूर बनाइए ये जिमिकन का पिकल और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इन्जॉय करिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर